आप चलाओगे तब आपको समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि नकली टच कमजोर है। एक ये मोहम्मद हाकिब है, इसको प्रार्थी ने शिकायत की कि ये उसके सिम का दुरुपयोग कर रहा है। जब इससे पूछताछ किया गया तो ये सिम का तो दुरुपयोग करना पाया ही गया, इसके अलावा ये फ़ोन को क्लोन वेबसाइट से ख़रीद कर उसको असली के रूप में बेचा करता था। जैसे आईफोन 90,000 का आता है तो 12,000 में बेचता था। इस प्रकार से इसने कई लोगों को फ़ोन बेचा है। इसके फ़ोन का जब अध्ययन भी किया गया तो उसमें देखा कि ये इसने क्लोन वेबसाइट से परचेसिंग कर रहा है, लोगों को बेच रहा है सामान, और उसके बाद बेचने के बाद ब्लॉक कर देता था लोगों को ताकि इससे संपर्क ना कर पाए। उस अनुरूप इसमें जांच कर रहे हैं। ये प्रार्थी आया कि इसके सिम का इसके नाम पे सिम खरीदा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। जब जाँच की गई तो सिम मोहम्मद हाकिब निवासी रामपुर का चलाना पाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो बताया कि ये क्लोन फ़ोन को बेचता है असली के रूप में, करीब साल भर से बेच रहा है। और अब इसने स्वीकार किया कि लगभग 100 से अधिक इसने क्लोन फ़ोन को बेचे हैं और एक फ़ोन पे ये कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तक मार्जिन बचा लेता था। निश्चित रूप से इसमें उस दिशा में भी बैंकों पे देखा जा रहा है, इसने किनको फ़ोन बेचा है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, कहाँ से फ़ोन खरीदा है उस दिशा में भी जांच की जा रही है। ये बोलता तो है कि मेरे को पहले किसी ने ठगा, उस तरीके से मैंने सीखा। हालांकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा शार्प है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।